Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6, History, chapter 2, The Earlier Society. In this chapter, we are going to clear book exercise and question answer of this chapter. Fill in the blanks. अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स की. अल्तामिरा केव्स फाउंड इन, तो अगर फिलिप्स में फिलिप्स का इसका सही ऑप्शन है स्पेन. अल्तामिरा केव्स कहाँ पाई जाती हैं? स्पेन में. नेक्स्ट, द पैरालिटिक मैन यूज्ड टू डैश हिज डैड, ब्यूरी हिज डैड. ब्यूरी मतलब दफनाना, उसको ज़मीन में गाड़ देना. तो जो पैरालिटिक मैन थे वो क्या करते थे, वो अपने जो भी उनके जो मर जाते थे उनको ज़मीन में गाड़ दिया करते थे. द पैरालिटिक मैन फर्स्ट लर्न टू डैश, वो क्या सीखे, सबसे पहले उन्होंने सीखा टूल्स को बनाना. नेक्स्ट, द पैरालिटिक मैन वॉज फर्स्ट अ डैश फूड गैदरर, वो क्या थे पहले. पैरालिटिक मैन वॉज अ फर्स्ट फूड गैदरर, मतलब वो खाने को जमा करके, मतलब जो उठा के रख लिया है ना, इस तरीके से थे वो. द टूल्स ऑफ मेजोलिथिक एज वर कॉल्ड माइक्रोलिथ, मतलब जो मेजोलिथिक एज के जो एक टूल्स थे वो क्या थे, वो माइक्रोलिथ थे. देखिए, इस चैप्टर की अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप इस चैप्टर के बारे में इतना सर्च कर सकते हैं कि रासा इंटरनेशनल हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशल साइंस, और इस चैप्टर का अगर आप नाम डालेंगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी. लेकिन इस चैप्टर में हम बुक एक्सरसाइज क्लियर कर रहे हैं. मैच द फॉलोइंग, देखिए इसमें अगर स्क्रैपर दिया हुआ है तो स्क्रैपर क्या होता है, क्लीनिंग और स्क्रैपिंग. मतलब एक स्क्रैपर एक ऐसा टूल था उनका, वो पत्थर से बना हुआ था जिससे वो मतलब जो एक मीट था, जो 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 मांस का, उसको साफ करने के काम में वो लेते थे. चॉपर चॉपिंग मीट, मीट को चॉप करने के काम में आता था. पैरालिथिक रिमेन्स कहाँ मिले, सोन वैली. जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सोन वैली. नेक्स्ट, अर्ली केव ड्राइंग भीम बेटे का कॉइन, तो अगर अर्ली केव ड्राइंग का आंसर हुआ क्या, भीम बेटे का केव. बज क्या होता है, बज डीप होल इन अर्थ. जो आदिवासी थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो क्या करते थे, वो ज़मीन के अंदर एक गहरा गड्ढा बनाते थे जिसके अंदर वो खाने को जमा करते थे, तो उसको बोलते थे बज. माइक्रोलिथ क्या है, स्मॉल स्टोन आर्टिफैक्ट, ठीक है, मतलब जो छोटे पत्थरों से जो कुछ एक वेपन्स बनाते थे वो कहलाया जाता. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, ड्यूरिंग द पैरालिथिक एज यूज टूल मेड ऑफ मेटल, गलत. जो पैरालिथिक एज थी उसमें जो टूल्स थे वो स्टोन के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे, मेटल्स के नहीं. नेक्स्ट, ह्यूमन वर गुड फूड गैदरर्स ड्यूरिंग द मेजोलिथिक एज, राइट आंसर. मेजोलिथिक एज में ह्यूमन खाने को इकट्ठा करना सीख गया था. इन द पैरालिथिक एज मैन बिगिन टू लिव इन मड हाउस, रॉन्ग. पैरालिथिक एज में मैन कहाँ रहते थे, केव में रहते थे और पेड़ों में, जंगलों में रहते थे. नेक्स्ट, पैरालिथिक इज अ ग्रीक वर्ड, राइट. नेक्स्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन, द स्टोन एज हैव बीन डिवाइड इन टू फोर पीरियड्स. जो स्टोन एज होती है वो चार पीरियड्स में डिवाइड होती है. द पैरालिथिक मैन वॉज सिमिलियर टू हिज एनकेस्टर एप्स, मतलब जो पैरालिथिक जो पैरालिथिक मैन थे वो कैसे थे, वो वनमानुष की तरह दिखाई देते थे. नेक्स्ट, द पैरालिथिक मैन वॉज मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ सर्च ऑफ फूड. जो पैरालिथिक मैन थे वो एक जगह से दूसरी जगह किसकी तलाश में घूमते थे, खाने की तलाश में, ना कपड़े की, ना शेल्टर की, ना एंटरटेनमेंट की, उनकी एक ही जरूरत हुआ करती थी, फूड. नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू किल रनिंग एनिमल इज कॉल्ड एरो हेड. भागते हुए जानवर को मारने के लिए जिस वेपन्स का, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे उसको बोलते थे एरो हेड. तो राइट आंसर इज एरो हेड. द वर्ड मीजो मीन्स मिडिल. मीजो का मतलब क्या होता है, मीजो का मतलब होता है मिडिल, यानी बीच का. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, नेम द डिफरेंट पीरियड ऑफ स्टोन एज. स्टोन एज के डिफरेंट पीरियड कौन कौन से होते हैं. देखिए, स्टोन एज चार पार्ट में डिवाइड है. पहला पार्ट है इसका पैरालिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और कैल्कोलिथिक एज. तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पार्ट्स दैट स्टोन एज डिवाइड, तो स्टोन एज डिवाइड इनटू फोर पीरियड्स. नेक्स्ट, हाउ वाज द मैन फर्स्ट मेजर डिस्कवरी. भाई सबसे पहले मैन की डिस्कवरी क्या थी, उसकी सबसे पहली डिस्कवरी क्या थी, आग, ठीक है. सबसे पहले उसकी जो एक डिस्कवरी क्या थी भाई, हाउ मैन द फर्स्ट मेजर डिस्कवरी वर्ड इज मेन यूज. तो देखिए, सबसे पहले उसने यूज, उसकी जो एक मेजर डिस्कवरी थी वो फायर थी. अब उससे उसने क्या काम करना शुरू किया, इट वॉज यूज टू कीप देम वार्म इन विंटर, सर्दियों में गर्म रखने का काम करने लगा. और फायर यूज टू कुक एंड रोस्ट फ्लैश ऑफ एनिमल, अब यहाँ से वो जो मांस था एनिमल का उसको पका के खाने लगे, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द पैरालिथिक मैन डिस्कवर फायर. पैरालिथिक मैन ने फायर को किस तरीके से डिस्कवर किया, पैरालिथिक मैन ने फायर को डिस्कवर किया, आई बिलीव दैट पैरालिथिक मैन मस्ट हैव रब टू स्टोन एंड स्पार्क प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्राई लीफ लाइंग नियर बाय. वो दो मतलब पत्थर को घिस रहे थे और घिसते में उनसे चिंगारी निकली, वो चिंगारी
लीफ पर जाके गिरी तो उससे आग लग गई। तो इससे उन्होंने क्या सीखा कि जब हम पत्थर घिसेंगे तो उससे आग पैदा हम कर सकते हैं। व्हाई डू वी कॉल द पैलोलिथिक मैन अ फूड गैदरर? हम पैलोलिथिक मैन को फूड गैदर क्यों बोलेंगे? पैलोलिथिक पीपल वर कॉल्ड हंटर्स गैदरर्स बिकॉज दिस इज ओनली मीन्स दैट दे हैड ऑब्टेनिंग फूड। वो शिकार करते थे और खाने को अपने पास रखते थे, इसीलिए उनको फूड गैदरर बोला जाता था। Why is the paleolithic man called nomads? भाई paleolithic man nomads का मतलब क्या होता है? उनको nomads को कहा जाता है। Nomads का मतलब होता है खानाबदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे फूड की तलाश में, उसको बोला जाता है nomads। तो paleolithic was nomads who wandered from place to place hunting and gathering food। वो शिकार की तलाश में, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो इसीलिए उनको nomads बोला जाता है। Nomads का मतलब होता है खानाबदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। What was the religious belief of the paleolithic man? पैरोलिथिक मैन का रिलीजियस बिलीफ क्या था? द पैरोलिथिक मैन वर्शिप हिज एनकेस्टर आफ्टर डेथ एंड फियर दैट अदरवाइज दे माइट गेट एनॉयड एंड हिंडर्ड हिज लाइफ। ही बिलीव इन मैजिकल पावर। उनको जादुओं में विश्वास था, और जब उनका कोई मर जाया करता था तो वो उसकी पूजा करते थे, है ना, और वो उसको जब दफनाते थे उसके साथ उसकी सारी जरूरियात की सारी चीज़ें उसके पास रख दिया करते थे। उनका बिलीफ था कि मरने के बाद उनका अलग जन्म होगा और उनको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल अपलोड सम मोर वीडियो with some new topic. Till then, stay safe and goodbye.